हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। और मोस्ट अवेटेड सीरीज़ मैं कह सकता हूं मार्केटिंग मैनेजमेंट की फर्स्ट सेम वालों के लिए आ गई है। मेकअप का पेपर आप सबका बहुत ही ज़ोरदार गया है, बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप सबने बहुत अच्छा स्कोर किया है। डिटेल वीडियो आप देख के गए थे। मार्केटिंग मैनेजमेंट के भी डिटेल वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप आशा है कि आप सबने वो डिटेल वीडियो देख ली होगी। मेकअप के भी अंतिम प्रहार में 14 क्वेश्चन हमने इस बार लाए हैं। 14 क्वेश्चन में से ये पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ। इस सब्जेक्ट के बारे में स्टार्ट करने से पहले, ये पेपर स्टार्ट करने से पहले, अंतिम प्रहार स्टार्ट करने से पहले आपके लिए कुछ जाननी बहुत ज़रूरी है जो आपको इस एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करने वाली है। पेपर लेंदी रहेगा, टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिएगा। सेकंड पॉइंट, जितने ज़्यादा आप रियल टाइम के एग्जाम्पल लिखोगे, एप्पल, वीवो, ओप्पो, पतंजलि, सोनी, सैमसंग, रिलायंस कंपनी, जियो, टाटा, जिसके भी आपको एग्जाम्पल माइंड में आते हैं उस समय आप लिखोगे तो नंबर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे। चार्ट आपको बनाने ही बनाने हैं, डायग्राम्स आपको बनाने ही बनाने हैं। जितने ज़्यादा पॉइंट्स वाइज लिखोगे नंबर ज़्यादा मिलेंगे। एक नॉर्मल क्वेश्चन आता है कि सर कितने पेज भरे जाएं, कितने पेज भरे जाएं सर, बड़े सी क्वेश्चन में हम 10 पेज भर दें क्या, 5 पेज भर दें क्या, 6 पेज भर दें क्या। तो देखो, इसका कोई आइडियल आंसर नहीं है। अगर कोई इसका आइडियल आंसर दे रहा है तो वो झूठ कह रहा है। एज अ एग्जामिनर, एज अ राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी में मैं कॉपी चेक कर चुका हूँ और कुछ 7-8 साल तक मैंने MBA की कॉपी चेक करी है। तो एज अ टेक्निकल यूनिवर्सिटी में एज अ एग्जामिनर जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू रहता है वो बेसिकली ये कॉपी पेजेस भरना, तो आप कह सकते हो कि उसका वेटेज, लेकिन आपने क्या लिखा है, उसका क्या कंटेंट है और कौन से पॉइंट आपने लिखे और किस तरीके से आपने प्रेजेंट किया है। एक तो होगा कि जो बच्चा केवल इस तरीके से लिखता हुआ चला जाएगा, ये है ना, और एक बच्चा नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट, नंबर 3 पॉइंट और पॉइंट वाइज लिखेगा, नीट एंड क्लीन लिखेगा, तो उसके मार्किंग यूजुअल बच्चों से ज़्यादा ही आने वाले। तो थोड़ा प्रेजेंटेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, न कि कॉपी भरने के ऊपर। कॉपी भरने की जो कला है वो आप सबको आती है क्योंकि सब MBA में आ गए हो, लेकिन मैं फिर से आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पहले डिटेल वीडियो देखो, कंसेप्ट क्लियर करो और इसमें रियल टाइम एग्जांपल्स लिखने हैं और हर क्वेश्चन के बाद में कंक्लूजन भी लिखना है। कंक्लूजन लिखना है, रियल टाइम एग्जाम्पल लिखने हैं, टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान रखना है, ग्राफ्स, चार्ट्स ये बनाने ही बनाने हैं, कोटेशंस आप लिख सको तो बहुत सोने पर सुहागे वाली बात है, और इसके अलावा आपको उसके अंदर ज़्यादा पेजेस भरने से ज़्यादा जो पॉइंट वाइज, पैराग्राफ वाइज आप लिखोगे तो ज़्यादा बढ़िया है। एक पूरा का पूरा ऐसे नहीं लिखना, हमको भी पॉइंट्स चाहिए। और आप चार्ट बनाओगे तो एग्जामिनर पहले चार्ट्स देख लेता है। और मैंने हाउ टू राइट योर केस स्टडी, हाउ टू राइट इन द एग्जाम करके ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, उसके अंदर मैंने इसके बुलेट पॉइंट सारे के सारे बता रखे और डिटेल में बताया। चलिए अपने मोस्ट अवेटेड वेरी शुरू करते हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, फर्स्ट सेम वालों के लिए है और पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। जैसे मार्केटिंग मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट का नाम ही मार्केटिंग है, तो याद रखिएगा कि नहीं, अगर एग्जाम में आया कि नहीं आया, मार्केटिंग का नेचर और स्कोप हमेशा से इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे कि मार्केटिंग का मीनिंग क्या होता है और मार्केटिंग का नेचर क्या होता है और इसका स्कोप क्या है। मार्केटिंग का नॉर्मल मीनिंग प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट होता है, अपने प्रोडक्ट को कस्टमर को बताना और उसको एनकरेज करना सेल्स के लिए, परचेस के लिए, अपने प्रोडक्ट के परचेस के लिए, ताकि वो बाइंग के लिए, यही मार्केटिंग होता है। कहीं कहीं बहुत सारे ऑथर्स ने केवल इतना कहा है कि केवल प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट इज मार्केटिंग, कि कस्टमर के बारे में, कस्टमर में अवेयरनेस आए आपके प्रोडक्ट के लिए। कुछ कुछ ऑथर ने इसके अलग स्टेप में कहा है कि भैया अवेयरनेस तो आनी चाहिए लेकिन बाइंग मोटिव भी आपको डेवलप करना है, तो यही मार्केटिंग होता है। मार्केटिंग इज अ डायनेमिक एक्टिविटी दैट प्लेज अ क्रूशियल रोल्स इन द सक्सेस इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्री। इट कंपनसेस द ब्रॉड रेंज ऑफ एक्टिविटी डिजाइन टू क्रिएट, कम्युनिकेट, डिलीवर, एक्सचेंज वैल्यू टू सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर। यानी कस्टमर को आप अपने जो प्रोडक्ट है उसकी एक्सचेंज वैल्यू की, ये प्रोडक्ट लेने पे आपको क्या क्या मिलने वाला है, कौन से स्पेसिफिकेशन मिलने वाले और आपकी कौन सी पर्टिकुलर नीड सेटिस्फाइड होने वाली है, उसको बताने को ही मार्केटिंग कहते हैं। अब नेचर यानी प्रकृति क्या है मार्केटिंग की, मार्केटिंग जो है वो कस्टमर के अकॉर्डिंग होती है ना। यदि मेरे को लेविश प्रोडक्ट बेचना है तो उसके अकॉर्डिंग मार्केटिंग होगी, यानी कि मेरे को अमीरों के लिए प्रोडक्ट बनाना है, गरीबों के लिए, गरीब मतलब कि मिडिल क्लास है ना, मिडिल क्लास को मैं गरीब ही कहता हूँ है ना, क्योंकि मैं भी मिडिल क्लास से हूँ, तो मैं ये मानता हूँ कि आज की तारीख में जो गरीब है वो मिडिल क्लास के ऊपर ही है, सब कुछ है। यानी कि मिडिल क्लास भी वो एज ऑफ ग्रुप जो 50,000 से कम कमा रहा है
खैर मैं थोड़ा सा इससे ज़्यादा हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि मिडिल क्लास जो होना है वो सबसे बड़ी आज की दुविधा है। जब तक लोग इससे आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक दिक्कत रहती है। तो कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच होती है, होलिस्टिक अप्रोच होती है। होलिस्टिक अप्रोच का बोला तो जाता है पवित्र, लेकिन हमेशा ऐसा होता नहीं है। लेकिन जब हम थ्योरी लिख रहे होते हैं तो होलिस्टिक यानी पवित्र, यानी कि हम सारी की सारी स्पेसिफिकेशन बता रहे होते हैं, सारे एडवांटेज डिसएडवांटेज कम प्रोडक्ट के बारे में बता रहे होते हैं, उसके स्पेसिफिकेशन क्लियर बता रहे होते हैं, रूल्स फंडामेंटल वारंटी गारंटी सब की क्लियरली हम बताते हैं। नेक्स्ट, ये डायनामिक और इवॉल्विंग होती है। डायनामिक मतलब कि मार्केटिंग चेंज हो जाती है, कभी भी चेंज हो जाती है। मैं एक कस्टमर से बात कर रहा हूँ और दूसरा कस्टमर अगर आया तो मेरी जो वे ऑफ टॉकिंग होगी वो चेंज हो जाएगी, पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाती है, टाइम पीरियड टू टाइम पीरियड चेंज हो जाती है। तो मार्केटिंग कैसी होती है? डायनामिक होती है, कस्टमर सेंट्रिक होती है और होलिस्टिक होती है। अब स्कोप की बात करते हैं कि मार्केटिंग का एरिया कहाँ कहाँ है जहाँ पर मार्केटिंग वर्क होती है। सबसे पहले प्रोडक्ट एंड सर्विस मैनेजमेंट में प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, तो प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हो तो प्रोडक्ट में तो इसका जाएगा ही जाएगा। सेकंड, मार्केटिंग मार्केट रिसर्च का भी काम करती है, वो बताती है R&D डिपार्टमेंट को अभी मार्केट में यह चल रहा है, क्योंकि कस्टमर से टॉक कौन कर रही होती, मार्केटिंग की टीम वही तो बताएगी प्रोडक्शन वाले को कि भैया ये बनाइए ये मत बनाइए। नेक्स्ट, मार्केटिंग प्रमोशन एंड कम्युनिकेशन का भी काम करती है, यानी ये उसका फंक्शन भी है और उसका स्कोप भी है। इसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लाई चेन नेटवर्क से भी बात करती है और वहाँ पे भी कम्युनिकेट का काम मार्केटिंग का होता है। प्राइसिंग स्ट्रेटजी भी मार्केटिंग वाला फिक्स करता है, रिलेशनशिप मार्केटिंग भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट करता है। तो इन नटशेल मैं आपको सिखा देता हूँ कि मार्केटिंग वाला बंदा जो जो भी काम करता है वो उसका स्कोप है। वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट से बात करेगा, वो कस्टमर से बात करेगा तो रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, ग्रेवियंस मैनेजमेंट है, रिसर्च का मार्केट रिसर्च का भी काम उसी का ही है, प्राइसिंग भी बात नेगोशिएशन भी मार्केटिंग वाला ही कर रहा होता है तो प्राइसिंग स्ट्रेटजी भी आ जाती है उसकी, और उसके अलावा प्रोडक्ट के बार सर्विस के मैनेजमेंट की कौन सा प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा, कितने में मिलेगा, ये सारे के सारे फंडामेंटल भी मार्केटिंग का ही बंदा कर रहा होता है। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बहुत ही लेंदी सब्जेक्ट है और बहुत ज़्यादा थ्योरी है इसके अंदर। तो एक बार कमर की पेटी कस लीजिए क्योंकि अब हमारी अंतिम प्रहार की फ्लाइट उड़ने वाली है और सेकंड पार्ट से मैं थोड़ा सा और स्पीड बढ़ा दूंगा। तो मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए क्योंकि अब आ रहे हैं सेकंड प्रकार सेकंड क्वेश्चन अंतिम प्रहार के। जल्दी जय हिंद।